उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच राजनीतिक जोर आजमाइश लगातार जारी है। कल बीजेपी ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में कोलकाता में मार्च निकाला, तो आज ममता बनर्जी ने उसी भाषा में दिया है जवाब। कोलकाता की सड़कों पर तेजी से बढ़ते ममता बनर्जी के ये कदम नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की ओर बढ़ रहे हैं। कल बीजेपी का मार्च, आज ममता की रैली। कल बीजेपी नेताओं ने कोलकाता की सड़कें नापी थी, नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली की थी। आज ममता बनर्जी ने बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन का जवाब उसी भाषा में दिया, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में मार्च निकाला। बीजेपी के मार्च में जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय समेत बंगाल से बीजेपी के सांसदों ने हिस्सा लिया। इस मार्च में जुटी भीड़ के जवाब में टीएमसी के भी सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता ममता दीदी के साथ शामिल हुए। आज ये सीएए, सिटीजंस अमेंडमेंट एक्ट, जिसके बारे में ममता दीदी ने और इनके सारे नेताओं ने देश में भ्रम फैलाने की कोशिश की, प्रदेश को गुमराह करने की कोशिश की, ये नागरिक संशोधन नियम है क्या? आपको जान करके स्पष्ट हो जाएगा कि यह नियम नागरिकता देता है, किसी की नागरिकता लेता नहीं है। ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में गांधी मूर्ति से विवेकानंद हाउस तक मार्च निकाला, बीजेपी को साफ संदेश दिया कि वो नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ने वाली। पिछले दो हफ्तों में ये छठा बार होगा जब ममता बनर्जी खुद रास्ते पे उतर के सीएए और एनआरसी के खिलाफ अपना जो आवाज है वो बुलंद करने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं कोलकाता में फिर से आज ममता बनर्जी एक प्रोटेस्ट मार्च जो है उसको शिरकत कर रही है, और फिर से ये उन्होंने कह दिया कि पश्चिम बंगाल में सीएए और एनआरसी दोनों को ही लागू किसी भी तरह से नहीं करने दिया जाएगा। ममता बनर्जी का ये कहना है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार डिस्क्रिमिनेट कर रही है। ममता बनर्जी लगातार नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में मार्च और रैली कर रही हैं। दो हफ्ते में ममता बनर्जी की ये छठी रैली है। ममता बनर्जी तो इस मुद्दे को यूएन तक ले जाने की बात कह चुकी है। यूनाइटेड नेशंस, ह्यूमन राइट्स कमीशन, इम्पोर्ट एंड जहां एक्सपोर्ट, तादर नहीं एक्टा कमिटी हो, तृणमूलों थाकार दरकार नहीं, बीजेपी थाकार दरकार नहीं, अन्य पार्टी थाकार दरकार नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ख्रिस्टान कोनो कम्युनिटी थाकार दरकार नहीं। आमरा चाई तारा एकटा गणभोट संगठित करुक भारतवर्षे। आमरा देखते चाई कटा लोक मानछे आर कटा लोक मानछे ना। जदि ना माने बोलुन रेजिग्नेशन करते बाध्य हबेन। दीदी सीधी कोलकाता से यूएनओ पहुंच गई, संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंच गई, लेकिन कुछ साल पहले तक यही ममता दीदी संसद में खड़े होकर गुहार लगा रही थी कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोका जाए। अब आपको क्या हो गया? आप क्यों बदल गई? आप क्यों अफवाह फैला रही हो? नागरिकता संशोधन कानून को लेकर ममता बनर्जी लगातार हमलावर हैं। ममता बनर्जी ने आज कहा कि जब तक वो जिंदा हैं, बीजेपी को उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगी। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।